कि भैया वो विधायक कौन है राजेंद्र नगर का? दुर्गेश पाठक, बड़े नेता हैं आपके। सेंटर में एक एक गली में जाके क्या विधायक देखेगा और क्या विधायक इस बात को देखेगा या अधिकारी देखेंगे? दिल्ली वासियों को बताते थे कोई घूस भी मांगे तो घूस ले लेना या दे देना, पर ये नंबर है हमें बताना कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जब दिल्ली में पानी भरता है तो ऐसा तो नहीं है कि गुड़गांव में पानी नहीं भरता, गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। लेकिन दिल्ली में जो ये तंत्र विफल होता दिखा, सिस्टमिक फेलियर हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है ना? बैठे हुए हैं आपके मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वहीं से चलाएंगे, चला नहीं सकते जेल से। ये सब दबा के पैसे लेते हैं, दबा, इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। यही आपने राजनीति बदली? अगर राजनीति नहीं हो रही तो आप क्यों जेल से सरकार चलाना चाहते? जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में कट्टर ईमानदार पार्टी के डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगने वाली है, क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी का एक ही काम है कि अगर कुछ भी दिल्ली में गड़बड़ हो जाए तो दूसरों पर ठिकड़ा फोड़ देने का। क्योंकि हाल ही में अभी 3 बच्चों की मौत के ऊपर डिबेट चल रही थी, लेकिन डिबेट के दौरान ये भाई साहब अब बोल रहे हैं कि ये तो अधिकारियों की गलती है, लेकिन उसी पर आज एंकर ने इसको डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से रगड़ा है। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। राजेश, सवाल सीधा है, इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सुधीर भाई, पहले तो मैं, संदीप चौधरी है मेरा नाम, डेथ हुई, मेरा नाम सुधीर नहीं है, राजेश करता हूं, सॉरी। मैं एक्चुअली जो आपकी खबर देख रहा था, और मैं आपके साथ कई बार डिबेट्स में भी आ चुका हूं, लेकिन दरअसल ये देखने के बाद में बड़ा, क्योंकि दुख है और हम भी परिवार वाले हैं और ये चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिम्मेदारी किसकी है ये आपने पूछा, और मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है, मेयर साहब, मेयर मैडम वहाँ पर कल गई और उन्होंने भी कहा कि 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस किसने क्या क्या करा है। अभी एक हफ्ते पहले ही कमिश्नर ने वहाँ पर जो इस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जोन के लोग थे उनको सस्पेंड भी करा था, क्योंकि बायलॉज से बहुत खेल रहे थे वो लोग। साथ में पीडब्ल्यूडी की जो मंत्री है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि 24 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब एक रिपोर्ट बनाए कि किस किस की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन बहुत दुखद है, बिल्कुल उसी के लिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपने बिल्कुल कहा कि पॉलिटिकल क्लास की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बात पे ध्यान रखे, मॉनिटरिंग रखे कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उस काम को किस तरीके से कर रहा है। किसकी है दिल्ली में? अनफॉर्चुनेटली जो भी लड़ाइयां है, जो भी है, आम आदमी बिल्कुल दिल्ली में सरकार हमारी है, एमसीडी भी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल हमारी है, बिल्कुल हमारी है, मैं ये कहता हूँ कि हमारी है। लेकिन वो बिल्डिंग आज नहीं बनी है, वहां पे ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग कुकुर मुत्ते की तरह खड़ी कर दी गई है पिछले 10-15 सालों में। दिल्ली की जो हालात है आपने खुद देखा है, आप भी 2013 में आपकी पहली सरकार बनी थी, आशुतोष जी ने बीच में थोड़ा सा वक्त जब आपकी सरकार नहीं थी, वरना 2013 से लगातार आपकी सरकार है। क्या किया आपने? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं अगर आप मुझे अपनी बात रखने दें, जैसे आपने अपनी बात को रखा लगातार, मेरी भी सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि इस पहली बात तो ये, मैं इस बात से भागना नहीं चाहता कि मैं कह दूं कि इस पे बात डाल दूं, उस पे बात डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बात डाली जाएगी। लेकिन मेरा सबसे पहला ये कहना है कि जो भी अधिकारी उसमें संबंधित हैं, देखिए मोटे तौर पे ये काम तो इन अधिकारियों को देखना है कि वो नाले के साथ में बिल्कुल बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग बिल्कुल बराबर है, जो बेसमेंट उसने बनाई उस बेसमेंट को बिल्कुल रोड के बराबर बना दिया, उसको कोई देख नहीं रहा, परमिशन उसको स्टोरेज की दी गई और वो लाइब्रेरी चला रहा है। अब वो अधिकारी कहां सो गए थे और वहां का उनको देखना तो चाहिए था ना कि भैया वो क्या कर रहे हैं। कौन है राजेंद्र नगर का? दुर्गेश पाठक, बड़े नेता हैं आपके, वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य रणनीतिकार। देखिए नाम तो लिया जाएगा, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, गृह मंत्री से पूछे जाते हैं, तो दुर्गेश पाठक से आम आदमी पार्टी से भी पूछे जाएंगे। नहीं बिल्कुल पूछे तो जवाब तो देने दीजिए चौधरी साहब, आपने सवाल पूछा तो मुझे 15 सेकंड भी आप अगर नहीं बोलने देंगे। आपने कहा दुर्गेश पाठक वहां पर विधायक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब ये तो आप भी समझ सकते हैं, एक एक कोचिंग सेंटर में एक एक गली में जाके क्या विधायक देखेगा और क्या विधायक इस बात को देखेगा या अधिकारी देखेंगे? विधायक का काम है ये देखे कि अधिकारी ताल ठोकते थे राजेश भाई, नंबर फ्लैश करते थे, दिल्ली वासियों को बताते थे कोई घूस भी मांगे तो घूस ले लेना या दे देना, पर ये नंबर है हमें बताना कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां पर अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे, कहां पर गड़बड़ झाला है। अरे जो दिए तले अंधेरा हो रहा था, एक बात सुनिए, मेरे एक मिनट बात सुनिए, सुनिए मेरी बात को, एक बिल्डिंग एक दिन में तो बननी गई होगी,
एमसीडी तो 1.5 साल पहले ही आई है ना, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि एमसीडी में हमारी सरकार है। एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं गई होगी, पहले बेसमेंट बनी होगी, 4 मंजिल चले, 2-3 साल लगते हैं बिल्डिंग में बनने में, एक दिन में तो बनी नहीं। वहां पे बेसमेंट भी बन गई, वहां पे कोचिंग सेंटर भी चालू हो गया। अब आप बताइए, ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इससे हम संवेदना रखते हैं कि लोगों के किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं जिम्मेवारी पिछले साल हाई कोर्ट में, राजेश उसके बाद भी अगर पिछले साल हाई कोर्ट में एमसीडी की दिल्ली फायर सर्विस ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो पेश की गई, उसमें क्या कहा गया, 583 कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 67 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं और आपने चलने दिए। जनता माफ नहीं करेगी। वरिष्ठ नेता हैं स्वाति मालीवाल जी, आपकी पार्टी की DCW की अध्यक्ष भी हैं, वो कह रही हैं ये मौत नहीं ये हत्या है, एमसीडी की लापरवाही का नतीजा है। सही कह रही हैं वो। आप भी देखिए, अब देखिए, अब आजकल उनके बयान कुछ अलग है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैं हमारी बहन है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन आजकल उनके बयान कुछ अलग है। मैं इस पर फिर बिल्कुल भी ना पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहता, ठीक है, आप मैं जा रहा हूं मेरे साथी जो कांग्रेस बीजेपी के साथी साथ में, नहीं नहीं पॉलिटिक्स मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, देखिए पॉलिटिक्स भाई पॉलिटिक्स में चलते हैं ना, जिम्मेदारी आपकी है। मेरा एक मत देखिए, मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे को भी तो 15 सेकंड कुछ कहना है ना। जब दिल्ली में पानी भरता है तो ऐसा तो नहीं है कि गुड़गांव में पानी नहीं भरता, गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। जब बॉम्बे, अभी मुंबई के अंदर 2 तारीख को मुंबई डूब गई, आप ही के चैनल पे चलना था कि ट्रेन चल नहीं पा रही, ट्रेन बंद हो गई, पूरा बॉम्बे डूब गया। आज बड़े शहरों के अंदर दुनिया भर की जो इंक्रोचमेंट है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गांव देहात है वहां पे हमारी सरकारें काम नहीं दे पा रही। आप किसी प्रॉब्लम को इतनी आसानी से एक चीज में खत्म नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हां बिल्कुल सही, मेरी आप बिल्कुल मेरे वाली ट्रैक पर ही आ गए राजेश, जो मैं कहना चाह रहा था, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, आपने वही बात कह दी, आपने मुंबई गुड़गांव का जिक्र किया है, मैं उसमें बाकी नेताओं का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन दिल्ली में जो ये तंत्र विफल होता दिखा, सिस्टमिक फेलियर हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है ना। बैठे हुए हैं आपके मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वहीं से चलाएंगे, चला नहीं सकते जेल से, तो सरकार फेल हो गई है, तंत्र फेल हो गया है। अरे ये मानेंगे ना, ब्यूरोक्रेट से लेके ऊपर के मंत्री चीफ मिनिस्टर तक सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये सब दबा के पैसे लेते हैं, दबा, इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है, नौकरशाही एक धंधा हो गई, सबके लाखों करोड़ों रुपए हैं, इसलिए आप ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर ना करिए, ट्रांसफर के पावर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जगह किसी और के रख दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद ये फिर उसी तरीके से काम करने लगेंगे। मैं बार बार कहता हूं ना, ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो होते हैं ये झुग्गी झोपड़ियों में क्यों होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। जब कोई पेटी क्रिमिनल क्राइम करता है, जब आपको दंगा, आपको सांप्रदायिकता फैलानी होती तो आपके बुलडोजर चलते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो 58,000 करोड़ का जो धंधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? कभी किसी चीफ इंजीनियर को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इस शहर के अंदर अगर मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं तो यह शहर अभिशप्त है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, जो कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, यही आपने राजनीति बदली। अगर राजनीति नहीं हो रही तो आप क्यों जेल से सरकार चलाना चाहते हैं? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के सारे लोग इस्तीफा दे दो, कह के नहीं हमको राजनीति नहीं करनी, हम ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आए थे, कह सकते हैं क्या? नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आम आदमी पार्टी के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।